नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हाल ही में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। अब गांगुली के परिवार के 4 सदस्य भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इनमें गांगुली की बेटी सना गांगुली भी शामिल है। सना की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो अभी घर में आइसोलेट है। सना में कोरोना के लक्षण काफ़ी कम है। बता दें कि हाल ही में सौरभ गांगुली को भी कोरोना वायरस हो गया था, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ दिन रहने के बाद उनको छुट्टी मिल गई थी। इसके बाद वो घर में आइसोलेट थे। गांगुली को कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हुआ था, उनकी ओमिक्रॉन की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार डरावनी होती जा रही है। कोरोना के दैनिक मामले 55,000 के पार कर गए हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। बंगाल में मंगलवार को 9,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए, जबकि महाराष्ट्र में 18,000 के करीब केस सामने आए थे। वहीं दिल्ली में बुधवार को 10,000 केस दर्ज किए गए हैं। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।